जय हिंद सत जोहार नवोदय विद्यालय 2024। अभी मैं कमेंट पढ़ रहा था बहुत लोगों का, इसमें से 50% लोगों का इस बात को लेकर कमेंट था कि भैया आपका जोहार नवोदय विद्यालय में कितने अंक पर सिलेक्शन हुआ था, इसके लेकर आप बताइए मेरे को, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप किस रीजन से बिलोंग करते हो और आपके कितने मार्क्स बने थे नवोदय विद्यालय में, उसमें सिलेक्शन हुआ था, ये मेरे को बता दीजिए। सर तो आप सभी का इसी बात को लेकर डाउट है, लगातार कमेंट कर रहे हैं। चलिए आपको पूरा डिटेल से बता देता हूँ मेरे कितने अंक पर सिलेक्शन हुआ था और आपके कितने अंक पर सिलेक्शन होगा। सतु अपना तो मैं बता देता हूँ, लेकिन इससे पहले आप सभी को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अपना जो मार्क्स है, देखो क्या क्या आपको बोल रहा हूँ मैं, अपना आपका कितने मार्क्स बन रहे हैं, आपका कैटेगरी, आप किस स्टेट का नाम बता देना मेरे को, और आप रीजन बता देना कि आप अर्बन से हो या रूरल से हो, कमेंट में मेरे को कमेंट करो, इसी नीचे वीडियो में नीचे कमेंट करो, मैं सबका रिप्लाई करूंगा। आज कल जितना होगा मेरा समय मिलेगा, जब मिलेगा उस समय रिप्लाई मैं जरूर करूंगा। अभी तुरंत जितना हो सके नीचे कमेंट करना स्टार्ट कर दो, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ही कमेंट करना, ताकि मेरे को भी अच्छा लगे, मेरे को मोटिवेशन मिले। लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जो भी कमेंट है आप लोग करना, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। चलिए अब मेन टॉपिक के आते हैं, अपना मैं बता देता हूँ मेरा कितना प्रसलेशन हुआ था। साथियों अभी फिलहाल क्या स्थिति हो गया है कि अभी आपके एग्जाम में परीक्षा में 80 प्रश्न पूछे जाते हैं। 80 प्रश्न पहले मेरे समय में क्या था, आज से 7 साल पहले 2017 में हमने एग्जाम दिया था, उसमें 100 प्रश्न पूछे जाते थे, एक प्रश्न का एक नंबर था। अभी फिलहाल हो गया है कि एक प्रश्न के 1.25 नंबर है, 1.25 नंबर है, लेकिन पहले क्या था, एक क्वेश्चन का एक नंबर था। उस समय हमारा सिलेक्शन हुआ था 92 अंक बने थे और मेरा सिलेक्शन हुआ था। मेरा कैटेगरी था ओबीसी, मैं किस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। और आप लोग कमेंट आते हैं आप अर्बन से या रूरल से थे। हमारे समय में साथ मात्र 40 सीट थे और आपके समय में 80 सीट हो गए हैं, और उस समय साथ कंपटीशन भी हो जाए टफ था, और उसमें लगभग मेरे समय 12,000 फॉर्म भरे गए थे कुल मेरे ही डिस्ट्रिक्ट से, और उसमें फॉर्म भी ऑफलाइन भराती थी आज से 7 साल पहले, अभी ऑनलाइन भराते हैं फॉर्म। तो ये सभी कुछ जानकारी थी आप सभी को। मैं अर्बन क्षेत्र से बिलोंग करता था, अर्बन से मात्र 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, एक मेरा था और एक किसी कोई और गर्ल्स की थी। तो वही शहरी क्षेत्र से मात्र 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, जिसमें मेरा था 92+ अंक पर, और मैं जोहार नवोदय विद्यालय गढ़वा झारखंड से बिलोंग करता हूँ। तो आप लोग कमेंट में जरूर मेरे को बताइएगा अपना जो राय दीजिएगा, जितना भी हो सके अपना जो मैं बताया आपको, अपना मार्क्स कितना बन रहा है, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो, और अपना जो डिटेल बता सकते हो मेरे नीचे में। अपना रोल नंबर डेट ऑफ बर्थ मत देना, क्योंकि ये आपका पर्सनल होता है, इस किसी के पास शेयर ना करना ना मेरे पास ही शेयर करना, लेकिन इतना जरूर बताना मेरे आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो, और आप अर्बन या रूरल कैटेगरी क्या है आपकी, ये मेरे को कमेंट में जरूर बताना। बॉयज गर्ल्स क्या हो आप कमेंट जरूर मेरे को बताना, ताकि मैं उसे रिप्लाई कर दूं आप सभी के, क्योंकि हर एक बच्चा लगातार कमेंट कर पूछ रहा है मेरे से। तो मैं चाहता हूं कि चलो इसी वीडियो में आप सभी को सेटिस्फाइड कर दे, क्लियर कर दिया जाए। तो चलिए ये वीडियो को एंड करता हूं, इससे पहले चलो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, उसके बाद ही कमेंट करना, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले, ताकि आप लोग के लिए जो भी बेहतर वीडियो हो सके, छोटी से छोटी वीडियो आप सभी के लिए ला सकूं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।